लगातार कंपनियों के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट्स क्रिएट कर रही हैं। इस बीच टाटा स्टील के नंबर्स भी आने वाले हैं। टाटा स्टील के नतीजे कैसे आ सकते हैं अनुमान लेकर अशेषा हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे समझते हैं। अशेषा बताएं, टाटा स्टील के नतीजों से अनुमान क्या है? क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करें तो टाटा स्टील से हम इस क्वार्टर में फ्लैट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई मेजर ग्रोथ या डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है टाटा स्टील से, बिकॉज स्टील प्राइसेस इस क्वार्टर में अच्छे थे, स्टील वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। बिकॉज जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के कारण इंडियन स्टील प्लेयर्स को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन कोकिंग कोल प्राइसेस में भी हमने अच्छा खासा इंक्रीज देखा इस क्वार्टर में, और इसी के चलते बॉटम लाइन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 66,750 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 10% का ग्रोथ होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और 33.5% का ग्रोथ होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा मार्जिन में हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं, 200 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। कोकिंग कोल प्राइसेस इस क्वार्टर में नियरली डबल हो चुके थे और इसी कारण बॉटम लाइन पर हम थोड़ा सा इम्पैक्ट देख सकते हैं इस क्वार्टर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,600 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 44.5% का इंक्रीज होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन फ्लैट नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। बाकी नंबर्स की बात करें तो इस क्वार्टर में रियलाइजेशन एडजस्टेड एबिटा पर टन में हम 3,000 रुपीज़ पर टन का डिक्लाइन दे सकते हैं, और इसका कारण यही है कि इनपुट कॉस्ट स्पेशली कोकिंग कोल में हमने बड़ा जंप देखा। यूरोपियन बिजनेस की बात करें तो वो अच्छा रिपोर्ट कर सकता है इस क्वार्टर में, वो बिजनेस में अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं, और इसका कारण ये है कि स्टील प्राइसेस अच्छे थे, स्टील वॉल्यूम्स अच्छे थे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूरोपियन बिजनेस के लिए इतना नहीं बढ़ा जितना इंडियन बिजनेस के लिए बढ़ा है। वैल्यूएशन की बात करें तो FY23 एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर 6.5-7 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, सो सिक्वेंशियली फ्लैट क्वार्टर हम इस बार टाटा स्टील से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो क्लियरली आशीषा शुक्रिया टाटा स्टील के नतीजों के अनुमान हमें बताने के लिए। एक्सपर्ट से भी एक बार राय जरूर लेंगे, लेकिन इस बीच कुणाल